सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही थी वो बात सामने आ रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली कड़ियां मिल रही हैं, हकीकत सामने खुल रही है। तला ऑप्शन दो हैं पाकिस्तान के पास। ऑप्शन नंबर वन ये है कि हम ईरान की तरह सैंक्शंस का सामना करें, मुश्किलात का सामना करें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। आज हम जानते हैं कि तेहरान में बनने वाली लस्सी कराची में आकर बिकती है। हम जानते हैं ईरान का तेल पूरे पाकिस्तान में स्मगल होकर अवेलेबल होता है, लेकिन लीगली हम अवेलेबल नहीं कर सकते क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम हैं, तो हम ईरान से तेल नहीं ले रहे। अगर हम ईरान का रवैया इख्तियार कर ले कि हम दुनिया को बोले कि हम अब डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपके कर्जे वापस नहीं दे सकते, आपके जो सैंक्शंस लगाने हैं लगा दें और अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी इंडस्ट्री, अपनी गाड़ियां बनाए, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए, अपनी चीज बनाए, अपने चॉकलेट्स, अपने बिस्किट्स, कब तक इंपोर्ट करते रहेंगे हम दुनिया का सामान? हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो है, इसलिए आज हम यहां खड़े हैं। इंडिया इसलिए $650 बिलियन के रिजर्व रखता है क्योंकि वो हर चीज अपनी बनाते हैं। उनका मिनिस्टर लैंड क्रूजर में नहीं, एंबेसडर गाड़ी में चलता है जो मेड इन इंडिया होती है। सैडली हमारे जितने मिनिस्टर हैं उनको लैंड क्रूजर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के अलावा और कुछ पसंद नहीं आता। पहली बात तो ये, हमारे मिनिस्टर यहां पे रहते कहां हैं? सबकी फैमिली सो जाके अमेरिका, यूएस, लंदन में रहती है और सिर्फ आप अपने वोट लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप यहाँ आ जाते हैं, इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है। खैर, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं और पीटीआई के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो वेरी मच कुरैशी साहब। मेरा आपसे सवाल ये है सर कि बाइडेन साहब जब इसराइल के दौरे पर थे तो उन्होंने वाजे कर दिया कि मैं भी एक ज़ायनिस्ट हूँ और यकीन उन्होंने शो किया कि वो इसराइल से कितने क्लोज हैं और इनके कितने गहरे मरासे में। हम जानते हैं यूएस फेडरल रिजर्व जो डॉलर प्रिंट करता है वो भी एक यहूदी खानदान का है। ऐसे में हम आज देख रहे हैं कि जॉन बोल्टन एक अमेरिकन सियासतदान ये कह रहे हैं आके बैठकर टीवी पर उनके नेशनल चैनल के ऊपर कि किस तरह अमेरिका रिजीम चेंज करता है, गवर्नमेंट चेंज करता है। सर, अगर इमरान खान साहब ने इसराइल का प्रेशर ले लिया होता और मान लिया होता तो शायद आज ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। देखिए, इसराइल का प्रेशर का मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपकी एक पाकिस्तान की एक मुत्तफिक का पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान की तमाम जमातों की तमाम अदवार में एक पॉलिसी रही है कि हम सपोर्ट करते हैं एक टू स्टेट सोल्यूशन को फलस्तीन के लिए और हम चाहते हैं कि ये मसला जो अक्वाम मुत्तहदा की करारदादे हैं उसके मुताबिक हल हो। हम उस पर कायम हैं और ये हमारा एक असूली मौकफ है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक जितनी हुकूमतें भी आई हैं वो इसी लाइन पर कायम रही हैं। अब इसके लिए, इससे हटके अगर आपने पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए तो आपको कोई नेशनल कंसेंसस बनाना होगा, लोगों की राय लेनी होगी, आवाम का एतमाद आपको चाहिए होगा क्योंकि वो आपकी पॉलिसी की और जो दफ्तर खारजा लाइन तो करता रहा है अरसा दराज से वो उसके बरक्स होगा। तो पाकिस्तान अपनी इस लाइन पर कायम था और कायम है, नंबर एक। नंबर टू, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा है, उन्होंने उस बात की तस्दीक कर दी है कि जो हम कह रहे थे कि गाहे बगाहे मदाखलत होती है, साजिश होती है और रिजीम चेंज करवाए जाते रहे हैं। अब हम नहीं कह रहे एक ऐसी शख्सियत जो जिम्मेदार ओहदों पर रही है वो इस बात का खुद एतराफ कर रही है, जिससे कि हमारे केस को हमारे मौकफ को तकवीयत मिलती है। बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल। शाह साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संडे को 20 सीटों पर पीपी पंजाब में इलेक्शन है। हम देख रहे हैं कि पंजाब काबीना के दो वज़रा अपने ओहदों से इस्तीफा देते हैं, कहते हैं हम 17 को दोबारा हलफ उठाएंगे। हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। डोंट यू थिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है मनूवर करने के लिए इलेक्शन? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि पेट्रोल की जो कीमत बंद की है, कम की है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपने पेट्रोल की कीमत 100 रुपया लीटर बढ़ाई और जो कमी की है वो की है 18 रुपये 50 पे। जो डीजल की कीमत आपने 118 रुपये बढ़ाई और जो कमी की है वो की है 40 रुपये। तो जितनी बढ़ी थी कम तो हुई है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। आज भी जिस दाम पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है ये बहुत ऊंचे हैं और लोगों की जो ज़रात है और जो उनकी सनत है वो मुतासर
हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।